सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले आप सभी नवंबर के छात्र पाठ पंचमह सुक्ति मौखिकम अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न संख्या एक को खोलकर अपने सामने रखें, ताकि विषय वस्तु प्रश्न को समझने में किसी तरह की कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। कल हम लोगों ने पाठ का शब्दार्थ भावार्थ का अध्ययन कर लिया था, पाठ समाप्त हो चुका। अब हम लोग प्रश्न और उत्तर को समझते जा रहे हैं। बार बार हम आप लोगों को यह निर्देश देते हैं कि जिस समय आप वीडियो देखें, उस समय अपने सामने पुस्तक के जिस पाठ को आप पढ़ने जा रहे हैं उसको खोलकर अपने सामने रखें, नहीं तो समझ में आपको नहीं आएगा। तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या एक। प्रश्न संख्या एक में आपको लिखा हुआ है कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित का मतलब हुआ नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखे। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है आपको। प्रश्न संख्या एक में लिखा हुआ है कि यत्नेन किं रक्षे वीतं वृतं वा। प्रश्न है आपका यत्नेन किं रक्षे वीतं वा। इसका उत्तर आपका क्या होगा? यत्नेन का मतलब होता है यत्न से क्या रक्षा करना चाहिए, है ना, वीतं धन या आचरण, है ना, धन या आचरण को दोनों में से किसकी रक्षा करनी चाहिए, है ना। वीतं का मतलब हुआ धन, अवीतं का मतलब हुआ आचरण। तो इसका उत्तर होगा यत्नेन वीतं रक्षे, यत्न से वृत्तन की रक्षा अर्थात आचरण की रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न ख में आपको दिया हुआ है कि अस्माभिः किं न समा चरे, अस्माभिः किं न समाचरे कीदृशम् आचरणं न कर्तव्यम्। देखिए अस्माभिः किं न समाचरे कीदृशम् आचरणं न कर्तव्यम्। हम लोगों के द्वारा क्या कैसा क्या आचरण नहीं करना चाहिए, कैसा आचरण नहीं करना चाहिए, हम लोगों के द्वारा कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो उत्तर हो गया इसका अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलं
प्रतिकूल आचरण न कर्तव्यम्। अर्थात हमें अपने आत्मा के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा दूषित हो, उस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। प्रश्न नौ देखिए, प्रश्न नौ में दिया हुआ है, जंतवः केन विधिना, जंतवः केन विधिना तुष्यन्ति, प्राणी किस विधि से संतुष्ट होते हैं, प्राणी किस विधि से संतुष्ट होते हैं। उत्तर देखिए, जंतवः प्रियवाक्य प्रदानेन, प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, प्राणी प्रिय वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं। घ देखिए, प्रश्न घ, प्रश्न घ में दिया हुआ पुरुष ही, पुरुष ही किमर्थं, किमर्थं प्रयत्न कर्तव्य, कर्तव्य पुरुष ही पुरुषों के द्वारा है ना कैसा प्रयास करना चाहिए है ना। तो देखिए इसका पुरुष ही उत्तर हो गया, पुरुष ही गुणस्वेव, गुणस्वेव प्रयत्न कर्तव्य, पुरुषों को गुण को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अब देखेंगे हम प्रश्न, अगला प्रश्न में हम चलेंगे, अगला प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न संख्या 19, सज्जनानां सज्जनानां मैत्री कीदृशी, सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। उत्तर देखिए, सज्जनानां मैत्री, सज्जनानां मैत्री पूरा लघ्वे, पूरा लघ्वे पश्चात, पश्चात पश्चात वो वृद्धि मति भवति। अर्थात सज्जनों की मित्रता पहले छोटी और बाद में घनिष्ठ होती है, सज्जनों की मित्रता पहले छोटी और बाद में घनिष्ठ होती है। प्रश्न चौ, प्रश्न चौ में लिखा हुआ है सरोवरानां, सरोवरा
नान हानि कदा भवती सरोवरों की हानि कब होती है? उत्तर देखिए इसका, सरोवरा सरो सरोवरा नान हानि मरारही मरारही सह वियोगेन वियोगेन भवती। सरोवरों की हानि हंसों के साथ हंसों के वियोग से होती है। सरोवरों की हानि हंसों के वियोग से होती है। अंतिम प्रश्न संख्या छ, अंतिम प्रश्न संख्या छ आप देखिए, अंतिम प्रश्न संख्या छ में दिया हुआ नद्या नद्या जलं कदा अपीयं भवती। नदियों का जल कब पीने योग्य नहीं होता है? उत्तर देखिए, नद्यः भाद्रमासात्य भाद्रमासाद्य भाद्रमासाद्य नद्यः जलं अपीयन् भवति। इस प्रकार आज हम लोगों ने पंचवा पाठा सुक्ति पाठ्यक्रम का प्रश्न संख्या एक को का हल किया। आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर सुंदर अक्षर में अपने फेयर के कॉपी में इसको लिख लेंगे, साथ ही इसको कंठस्थ भी कर लेंगे। यह आज का आप लोगों के लिए गृह कार्य हुआ। धन्यवाद।